आज की वीडियो में आपको आलिया भट्ट के बारे में सैड न्यूज बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये एक्टर और एक्ट्रेसेस को बनाने वाली अवाम बनाने वाली जनता ही होती है। जनता ही होती है जो किसी भी बॉलीवुड स्टार को स्टार बनाती है और किसी को भी नीचे जमीन पर लगा गिरा देती है। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से बॉलीवुड की फिल्म को रिजेक्ट किया जा रहा है, बॉयकॉट किया जा रहा है सिर्फ स्टार के और इनोगेरेंट बिहेवियर की वजह से। और ऐसा ही बिहेवियर आलिया भट्ट ने भी शो किया है। जी हाँ, आलिया भट्ट जो इस समय बॉलीवुड की सुपरस्टार हैं, जो इस समय बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पेड एक्ट्रेस मानी जाती है और जो इस समय बॉलीवुड की सबसे ज्यादा इनकी फिल्म चल रही है, और आलिया भट्ट इसीलिए काफी ज्यादा इग्नोरेंस दिखाने लगी है। आप सब जानते हैं कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की पहली एक साथ मूवी ब्रह्मास्त्र बिल्कुल रिलीज के लिए तैयार है और उसकी प्रमोशन आजकल की जा रही है, जहाँ पर बाकी सारे स्टार अपनी प्रमोशंस में अपनी फिल्म के बारे में बात करते हैं और अपनी फिल्म दिखाने पर जोर देते हैं। वहीं आलिया भट्ट के एक कमेंट ने उनकी फिल्म को बहुत ज्यादा खतरे में डाल दिया है। जी हाँ, जब आलिया भट्ट से बात की गई तो आलिया भट्ट का कहना था कि अगर लोग उन्हें पसंद नहीं करते तो उनकी फिल्म ना देखे। वो किसी को फोर्स नहीं कर रही कि उन्हें देखा जाए। आलिया भट्ट के इस कमेंट को खूब वायरल किया जा रहा है और फैंस और नेटिजन का यही कहना है कि अब आलिया भट्ट की नेक्स्ट मूवी ब्रह्मास्त्र को भी बायकॉट किया जाए। जी हाँ, बायकॉट ब्रह्मास्त्र का ट्रेंड चल निकला है और अब ब्रह्मास्त्र की हर तरह से बातें होने लगी हैं। इससे पहले आप सब जानते हैं कि आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा भी करीना कपूर की इसी तरह के एक कमेंट की वजह से बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई है। करीना कपूर ने भी ऐसा ही कहा था कि अगर आप रॉकस्टार किड्स को नहीं पसंद करते तो उनकी मूवी ना देखें। और अब ऐसा ही हुआ, करीना कपूर की मूवी किसी ने नहीं देखी और वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। और अब यही एरोगेंट बिहेवियर आलिया भट्ट ने दिखाया है, इसको लेकर वो बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ चुकी है और उनकी मूवी बायकॉट ब्रह्मास्त्र का ट्रेंड भी निकल चुका है। अब देखना यह है कि लोग उन दोनों की केमिस्ट्री को देखना चाहेंगे या नहीं। आपको ये भी बताते चलें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की ये फर्स्ट मूवी टुगेदर है और दोनों पहली बार एक साथ आ रहे हैं, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे और शादी के बाद दोनों को साथ देखना भी चाहते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद फैंस दोनों को साथ ना देखे। आपको क्या लगता है कि आलिया भट्ट के इस इग्नोरेंट बिहेवियर पर उनकी मूवी को बायकॉट करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।